Good morning, student. This is your computer class. So today we are going to start chapter 6, computer device. I will learn about the input, processing and output device and storage device. तो आज हम chapter 6 में क्या पढ़ने वाले हैं? Input, processing and output device or storage device. So let's start in another page. First हम क्या पढ़ने वाले हैं? Input device. Okay? Input device help us to give instruction to the computer. Two important input device are the keyboard and the mouse. तो input device क्या होता है? जो भी हम work दिया गया होता है computer में, okay? जो भी instruction दिया गया है computer में. Two important input device है. क्या क्या है? Two important device, एक है keyboard और ये है mouse. तो keyboard mouse कहाँ पे आता है? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में आता है. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कीबोर्ड. व्हेन वी प्रेस द कीज ऑन ए कीबोर्ड द लेटर्स और नंबर्स अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. अगर हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे जैसे कि लेटर या नेम, नंबर, मोबाइल नंबर या जो भी आप नंबर टाइप करोगे वो कहाँ पे शो होता है? कंप्यूटर के मॉनिटर में शो होता है. वी टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू बाय प्रोसेसिंग द कीज. तो कंप्यूटर में क्या काम करने वाला है? हम प्रोसेसिंग क्या कहाँ करते हैं? कीज में. ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड इज द क्वालिटी कीबोर्ड. तो का ये जो अंडरलाइन दिया गया है ये मोस्टली यूज होता है कीबोर्ड में. ओके, नाउ नेक्स्ट माउस. माउस इट इज एन इनपुट डिवाइस विथ टू और थ्री बटन्स. तो माउस के कितने बटन है? टू और थ्री बटन्स. क्या क्या? लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल व्हील. ओके, ये क्या है? इनपुट डिवाइस. व्हेन वी मूव ए माउस द प्रिंटर आल्सो मूव ऑन द मॉनिटर. अगर हम माउस को मूव करेंगे वो कहाँ पे शो होता है? मॉनिटर में शो होता है. पॉइंट जो क्रॉसर पॉइंट होता है वो मूव ऑन होता है. व्हेन वी क्लिक इट्स बटन इट्स टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. तो कंप्यूटर क्या करने के लिए हम दिया गया है वो अगर हम जब हम बटन क्लिक करते हैं वो कंप्यूटर में हम क्या काम करने के लिए दिया गया है वो होता है. नाउ नेक्स्ट अनदर पेज, आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस इज शो द रिजल्ट ऑफ ऑल द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर. तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट मीन्स कि उसका जो काम दिया गया होता है कंप्यूटर में, जो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो कौन सा होता है? आउटपुट में. आउटपुट में मॉनिटर. ओके, टू इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस आर द मॉनिटर और प्रिंटर. आउटपुट के दो इम्पोर्टेंट डिवाइस क्या क्या है? एक है मॉनिटर और एक है प्रिंटर. मीन्स हम जो भी काम दिया गया उसका रिजल्ट यहाँ पे निकलता है मॉनिटर में शो होता है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉनिटर. मॉनिटर इज द टीवी लाइक डिवाइस we look at when we work on a computer. It display the information on its screen. तो जब भी हम कुछ भी work करते हैं computer में, type करते हैं या letter जो भी हम work करते हैं वो कहाँ पे show होता है? ये monitor में जो display यहाँ पे show होता है monitor screen में. okay, और printer क्या होता है? A printer takes information from the computer and prints it on paper. They are various kind of prints. They have different speed and quality of. तो प्रिंटर क्या होता है ना, ये प्रिंटर ये क्या करता है? जो भी आपको वर्क कंप्यूटर में दिया गया है उसका प्रिंट आपको पेपर में निकाल के देता है. ओके, तो आप प्रिंटर देखे होंगे सारे जो कंप्यूटर का वर्क जो पेपर में वो प्रिंट करके देता है. और उसका डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट टाइप का प्रिंटर होता है. स्पीडी एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स. नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या क्या आता है? प्रोसेसिंग इज द एक्चुअल वर्क डन ऑन द इनपुट बाय ए कंप्यूटर. इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिटी ऑफ द सीपीयू. तो प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आता है? सीपीयू. ओके, मीन्स जो भी हम वर्क रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू में होता है. सिस्टम यूनिटी. इट इज ए बॉक्स लाइक ए केस. इट कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स. ओके,
तो इसको हम सीपीयू बोलते हैं और इसके क्या क्या पार्ट होता है देखो, द हार्ड डिस्क, द मदरबोर्ड, द सीडी ड्राइव, द यूएसबी ड्राइव पोर्ट और सिस्टम यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज द सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को हम उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, और इसका डिफरेंट पार्ट्स होता है ओके। और ये है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हेल्प अस टू स्टोर वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। सम स्टोरेज डिवाइस स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर एंड द सम स्टोर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर। तो बच्चों स्टोरेज डिवाइस क्या होता है ना, जो कंप्यूटर में जितने भी सारे जो हम काम किए हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे सीपीयू में। तो इसका दो टाइप का होता है, एक इनसाइड कंप्यूटर और एक आउटसाइड कंप्यूटर में होता है ओके। तो इनसाइड कंप्यूटर में क्या क्या आता है, इनसाइड कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। तो पहले हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है बच्चों ना, दिस इज द फाउंड इनसाइड द सीपीयू, इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर। वो सीपीयू का इनसाइड का कंप्यूटर होता है और वहाँ सारे जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ओके। पेन ड्राइव एंड सीडी रोम, दिस डिवाइस स्टोर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर। ए पेन ड्राइव स्टोर्स मच मोर इंफॉर्मेशन दैन द सीडी रोम। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि सीडी रोम क्या है, पेन ड्राइव क्या है। सीडी रोम क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के बाहर जो भी डाटा होता है वो स्टोर करके रखता है, इसको हम एक्सटर्नल डिवाइस भी कहते हैं ओके। कंप्यूटर के बाहर जो भी डाटा होता है वहाँ पे स्टोर होता है सीडी रोम में ओके। और पेन ड्राइव क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। पेन ड्राइव आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा ही हल्का होता है, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो और अपने पॉकेट में भी रख सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रख सकते हो। इसीलिए आप इसमें आप मूवी गेम जो भी आपको रखना चाहते हैं आप इंफॉर्मेशन डाटा यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। और क्या होता है, ये पेन ड्राइव स्टोर मोच मोर इंफॉर्मेशन दैट सीडी रोम। तो सीडी रोम से भी ज़्यादा पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ओके। तो ये दोनों क्या हो गया, आउटपुट ओके, आउटसाइड द कंप्यूटर। और ये क्या है, इनसाइड द कंप्यूटर, ये सीपीयू के अंदर होता है और सीपीयू में जितने भी सारे स्टोर होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वो हार्ड डिस्क में अंदर होता है ओके। आई होप दिस इज क्लियर द चैप्टर 6 इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग ओके। तो मैं फिर से कह देती हूँ, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, मॉनिटर प्रिंटर, और प्रोसेसिंग डिवाइस